इस वक्त जो बात हो रही है वो सिर्फ अतीक की हो रही है। प्रशासन इतना सख्त हो गया कि अपराधी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले उमेश पाल की हत्या कर दी गई जब वो अपने सुरक्षा अधिकारी के साथ अपने घर जा रहे थे। बस यही अतीक की गलती उसके लिए काल बन गई। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से न सिर्फ गुंडे माफिया डरते हैं बल्कि इसका असर देश के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। भारत में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन माफियाओं के खिलाफ चला है उससे पड़ोसी मुल्क में भी खौफ भर गया है। आपको जानकारी होगी कि 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश के झांसी में उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी रहे असद का एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। आप जानते हैं कि असद अतीक अहमद का बेटा था। इससे पहले योगी हमेशा से ये कहते नजर आए हैं कि उनका मकसद यूपी से माफिया का सफाया करना है। असद के एनकाउंटर के बाद उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है? सरकार किसी है? कठोर में हो ये माफिया है इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी दूर कहा? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनके पास। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बस इसी बयान से यूपी पुलिस को हौसला मिला। अब यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही। लेकिन इस एनकाउंटर से एक और बात सामने आई और वो ये है कि एनकाउंटर में मिले हथियार पाकिस्तान से आए हैं। खबरों की माने तो एनकाउंटर से जो हथियार असद के पास से बरामद किए हैं पुलिस ने उसमें बताया है गया है कि अतीक गैंग को पाकिस्तान से हथियार मिलते थे। पाकिस्तान की तरफ से जो हथियार ड्रोन के सहारे भारत में गिराए जाते थे उनका सबसे बड़ा खरीदार अतीक अहमद था। माफिया अतीक अहमद पर एक्शन के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के भी होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया में योगी आदित्यनाथ को सबसे खतरनाक बताया जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर सीएम योगी बयान दे चुके हैं। उन्होंने एक बार अपनी सभा में कहा था कि भारत के पीएम मोदी 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं वहीं पाकिस्तान में 22 करोड़ की जनता को खाने के लाले पड़ रहे हैं और जनता आटे के लिए एक दूसरे का खून बहा रही है। आपको जानकारी होगी कि पाक अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, आटे के लिए जनता खून बहा रही है और अभी पाकिस्तान भारत में खून खराबे के लिए काम कर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सब कुछ छोड़ देगा लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जो भी गलत काम है वो सब पाकिस्तान की देन है। लेकिन ये भी बात सही है कि भारत जब वार करता है तो पाकिस्तान हिल जाता है और एक बार फिर पाकिस्तान हिल गया। ऐसे में इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।